बहुत समय पहले की बात है, सुब्रतो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रतो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर अपने पिता से पैसा मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये लेता हूँ चंद पैसों के लिए? आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ, सुब्रतो नाराज़ होते हुए बोला। सुब्रतो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज़ लाकर दिया करो। सुब्रतो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस करके वहाँ से चला गया। अगले दिन सुब्रतो जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वो उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर सुब्रतो ज़रा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रतो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस 1 रुपये देने से मतलब होना चाहिए। फिर मैं चाहे उसका जो करूँ। सुब्रतो ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा और वो रोज़ किसी दोस्त यार या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और वो उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रतो को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपया कहाँ से लाकर देगा। शाम भी होने वाली थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। 1 रुपया भी न दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपया लूँगा, सुब्रतो ने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शे वाला बहुत थक चुका था, वो फौरन तैयार हो गया। सुब्रतो रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपये थमा दिए। रोज़ की तरह पिताजी ने रुपये लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, सुब्रतो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और सुब्रतो ने पूरा वाक्या कह सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना ही दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हों या किसी और के, कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रतो पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा।